वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। सुबह आज हम बनाएंगे फ्रूट चाट जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही जायकेदार बनता है और रमज़ान स्पेशल रेसिपी आप अफ्तारी में सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सुबह इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए तो ये है हमारे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी, तो इसी क्वान्टिटी है 1.5 पाव। सुबह यहाँ पर मैंने लिए 2 अदद मीडियम साइज़ के सेब जो कि आसानी से आपको मार्केट में मिल सकते हैं, और 3 अदद अमरूद ये भी मीडियम साइज़ के हैं, और यहाँ पे हमारे पास हैं बनाना यानी कि केले, 6 अदद केले लेंगे हम लोग और मीडियम साइज़ के। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें ये फ्रूट चाट बनाने में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ले लेंगे हम लोग 10 से 12 डेढ़ चने के खजूरें और इनकी गुठलियाँ निकाल लेंगे और इनको इस तरह छोटे पीसेस में कर लेंगे। 1/2 kg योगर्ट यानी कि 1/2 किलो हम लोगों ने लिए फ्रेश दही। तो चीनी हिसाब से देखा, अगर आप चीनी तेज़ पीते हैं या तेज़ अच्छी लगती है तो ज़्यादा डाल लें, और अगर कम तो कम डाल लें। तो मैंने ऐड किया तकरीबन 1/2 कप। तो हम लोग ले लेंगे एक ट्रे और इस तरह स्ट्रॉबेरीज को कट करेंगे, पहले इस तरह 2 पीसेस में, फिर इसको 2 पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे और फिर इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे। सोयास स्ट्रॉबेरीज हमारी कट हो चुकी हैं, अब हम इसे किसी भी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। सोयास अब हम लोग छीलेंगे केले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम लोग इन्हें कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह बारीकी से कट करेंगे, और अगर आप मोटा रखना चाहिए साइज तो मोटा रख ले, और अगर बारीकी से काटना चाहते हैं तो बारीक काटें। तो इसी तरह हम लोग काटते जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्हें भी हम लोगों ने कट कर लिया, तो इस तरह साइड पे कर लेंगे। तो बनानाज यानी कि केले और स्ट्रॉबेरीज तो हमारे कट हो चुके हैं, तो आप कुछ और कट करते हैं। तो एप्पल्स यानी सेब को हम लोगों ने 4 फाड़ियों में कट कर लिए, तो अब इस तरह और छोटे पीसेज में कट करेंगे, और जितना हो सके आप छोटा रखें तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह हम लोग कट करते जाएंगे सारे। तो बस ये कट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने अमरूद को इस तरह पीसेस में काट लिया, तो अब इनको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो बस हम लोग कोई सा भी बाउल ले लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर आप क्रीम ऐड करना चाहें तो क्रीम ऐड कर लें, और अगर क्रीम ना ऐड करें तो दही की खटास खत्म करने के लिए आप दूध के उड़े इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल थोड़ी सी आप लोगों ने ऐड करनी है, तकरीबन 1 से 2 कतरे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा रूह की उड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जनरल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से विस्क की मदद से। तो इस तरह हम लोग मिक्स कर लेंगे इसे विस्क की मदद से। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून यानी कि 1/2 कप शक्कर चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 कप ऐड करेंगे हम लोग। तो 1/2 कप लोगों ने ऐड कर लिए चीनी। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये डिजोल्व ना हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सारे फ्रूट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बारी बारी ऐड करते जाएंगे। तो दूसरी तरफ से हम लोगों ने खजूर भी छोटे पीसेस में काट लिए और छोटा कर लिया इनको, ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब
अब मैंने इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं मिक्स करने के बाद। तो बस तैयार है हमारा फ्रूट चाट, जो कि बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही जायकेदार बना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में जो आइकॉन है उससे आने वाली मेरे हर रेसिपी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।